हेलो अरविंद, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और आपका जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है, जो भी शेड्यूल आपने बनाया है वो आप फॉलो कर रहे हैं। इन केस जो मैंने 75 डेज़ वाला एंड 45 डेज़ वाला बनाया था वो आप फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप अपना खुद का भी फॉलो कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी शेड्यूल बनाया जाए वो फॉलो हो जाए। देखिए भाई, एक बार सिलेक्शन के बाद स्ट्रेटेजी सारी फेमस हो जाती है, जो इंसान सेलेक्ट हो जाता है उसकी स्ट्रेटेजी फेमस हो जाती है। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो टॉप 100 में रहे हैं, उन सब की अलग अलग स्ट्रेटेजी रही है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजी कोई भी बुरी नहीं बनाता यार, सब इंसान, आप भी इंजीनियर, हम भी इंजीनियर थे, स्ट्रेटेजी तो सब बना लेते हैं, बट पॉइंट ये है कौन कितना शिद्दत से उसको फॉलो कर लेता है। तो आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है या फिर जो मैंने बना के दी थी वो फॉलो कर रहे हैं, कोई भी फॉलो करिए बट अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। आज की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि टेस्ट सीरीज से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, वो क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, दो चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो आप नेक्स्ट टेस्ट में ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली चीज़, तो लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे करें, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि टाइम ज़्यादा वेस्ट करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है उसमें करना नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप 3 राउंड फॉलो करेंगे। पहले राउंड में आप सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है और आप सिर्फ 2 मिनट में या 2.5 मिनट में एट मैक्स कर लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को स्किप करेंगे और उन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू लेटर करेंगे जो आपको लगता है कि आपको आता तो है बट थोड़ा सा 4-5 मिनट ले लेगा, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चन को आप राउंड 2 में करेंगे और पहला राउंड आपका मोस्ट प्रोबेबली 1.5 या 2 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आप वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपको आते हैं। बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें सेकंड राउंड में मैक्सिमम टाइम दीजिए, क्योंकि थर्ड राउंड में सिर्फ आपके पास वही क्वेश्चन बचेंगे जो आपको नहीं आते हैं। टाइम बचता है तो आप उनको भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ये तो आपके 3 राउंड रहेंगे, बट आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना ही नहीं है कि मेरे को पहले 2 नंबर का क्वेश्चन करना है, पहले 1 नंबर का करना है, पहले ये करना है, पहले वो करना, कुछ नहीं करना मेरा भाई। एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पार्ट है 15 नंबर का, वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। रीज़न बीइंग, एप्टीट्यूड कई बार डिफिकल्ट आ जाता है या फिर एकदम से स्ट्राइक नहीं करता कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो पार्ट हम बाद में करेंगे, एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला। जो टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, वो हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें सारी चीज़ें आती है। टेक्निकल पार्ट वही राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके अटेम्प्ट करेंगे, कोई सिलेक्शन नहीं करना, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर देंगे और एंड क्वेश्चन तक चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 राउंड जब आपका हो जाएगा तब आप एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे आओगे, फिर राउंड 2 फिर से टेक्निकल सेक्शन का, राउंड 2 फिर आपका एप्टीट्यूड सेक्शन का, इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रेशर दिमाग पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जो बच्चे थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं इस टाइम में कि टेस्ट पता नहीं कैसा आएगा, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, पता नहीं फाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फॉर्मूलाज भूल जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे फील आ रहा है, तो भाई देखिए, एक रियलिटी बताता हूँ। CBT 2 मैंने दिए थे, 1 में 4 रैंक आई थी, 1 में 7 रैंक आई थी, बट इतना होने के बाद भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो इतना नहीं था कि मैं फाइनली सारा सब कुछ कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लिख लिख के मैंने याद किए थे, फिर भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मे भी मैं भूल जाऊंगा फाइनल एग्जाम में। तो एग्जैक्ट जो कॉन्फिडेंस आप चाहते हैं कि 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं सब कर आऊंगा, मुझे सब आता है, तो ये भाई सिलेक्शन के बाद ही आएगा जब रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो इंसान हो, नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा तो डर लगता है, हर इंसान को लगता है, मुझे भी लगता था, बाकी सब लोगों को भी लगता है, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है और जितने भी आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जितने लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी वो लोग आपको डराते रहेंगे कि गेट में कुछ नहीं होता है, गेट में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, 300 रैंक पे भी सिलेक्शन नहीं होता, 100 रैंक पे भी नहीं होता। भाई सिलेक्शन हर इंसान का होता है जो नेगेटिव लोगों से दूर रहता है, ठीक है, क्योंकि गेट में जितने भी 1.5-2 लाख लोग बैठते हैं मैकेनिकल के, उनमें से सेलेक्ट जो 300-350-400 लोग सेलेक्ट हुए हैं वो तो अपने काम धाम में बिजी हो जाते हैं, बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। जिनकी रैंक 500 से 2000 के बीच में होती, वो सारे ही ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। वो सब बच्चों को यही कहते हैं, हमने बहुत मेहनत करी थी बट रैंक नहीं आई, आपकी भी नहीं आएगी, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहिए। हाँ, बात करिए उन लोगों से जिनकी 300 बिलो रैंक आई है, डेफिनेटली वो आपको बहुत सही गाइड करेंगे, क्योंकि उनकी रैंक आई है, उनने वो डर फेस किया है, वो उस फेस से निकल के आए हैं, ठीक है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना, और मोस्ट ऑफ द नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे सोशल नेटवर्किंग पे, तो सोशल नेटवर्किंग से दूर रहेंगे सीधा नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि रिवीजन पे और टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, ताकि
बाहर कम से कम जाइए ताकि आपको लोग कम से कम मिले, एटलीस्ट 10 दिन तो बाहर मत जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि इसी टाइम में सब डरे हुए लोग बाहर घूमते नजर आएंगे आपको, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि ये टारगेट कोई भी बच्चा ना रखे कि मेरे को 90 मार्क्स लेके आना है, क्योंकि भाई अगर आपने टारगेट 90 रखा है या 95 रखा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी है, आपका सीबीटी में बहुत अच्छी रैंक भी आ रही है, तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 95 या 90 का टारगेट ना रखें। रीज़न बीइंग, जैसे ही आप 95 का टारगेट रखते हैं या प्लस 90 का टारगेट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाता है कि एट मैक्स मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ, ठीक है। अगर दिमाग में ये सेट हो गया कि एट मैक्स में 5 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ, तो जैसे ही आपके 2, 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो गए या डिफिकल्ट एकदम से आ गए, तो आपके दिमाग में प्रेशर आएगा। अब देखिए, जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सेक्शन है, 2-3 क्वेश्चन तो उसमें वैसे नहीं आएंगे, हो सकता है इंग्लिश के ना आए, हो सकता है एप्टीट्यूड का स्टार्टिंग में ना बने, रिपीट करना पड़े तब बने सेकंड राउंड में बने, तो अब क्या करेंगे आप, प्रेशर में आ जाएंगे कि अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब 90 मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, और भी डाउन जाएगा। और हर गेट के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते ही आते हैं, हर सेट में आते हो, किसी सेट में स्टार्टिंग में आ जाता है, किसी लास्ट में आ जाता है, क्योंकि सब बच्चों का सीक्वेंस अलग होता है, तो किसी बच्चे के में स्टार्टिंग में आ जाएगा, किसी के बीच में आएगा, किसी के लास्ट में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते ही होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 90 प्लस का टारगेट रखा है, तो वो 4-5 क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में आपके आ गए, मिडल में आ गए, तो आप घबरा जाएंगे। तो जितना कूल एंड काम माइंड रहेगा, उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है, आप टारगेट रखें 80 मार्क्स का या फिर एट मैक्स 85 मार्क्स का, ताकि आपके पास मार्जिन रहे कि मैं 8 से 10 क्वेश्चन गलत भी कर दूंगा तो चल जाएगा, ठीक है। मेरा भी पर्सनल टारगेट 80 का ही था कि 80 मार्क्स आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीएससी तो अपने को सेलेक्ट कर ही लेगी, ठीक है। इसलिए दिमाग में ना प्रेशर नहीं था बिल्कुल भी, और जितना कूल काम आपका दिमाग रहेगा, डेफिनेटली उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऐसे अटेम्प्ट करनी है जैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो आपके कॉम्पिटिटर को भी कर रहा है भाई। कोई यहाँ पे रजनीकांत या 30 मार खानी है कि भाई साइंटिस्ट एकदम से सब निकाल लेगा, नहीं होता ऐसा। तो आपको कूल रहना, काम रहना और आराम से टेस्ट देना, जो परेशान कर रहा है क्वेश्चन स्किप करो, अगले राउंड में उसको देखेंगे, क्योंकि हर बच्चे को डिफिकल्ट क्वेश्चन एक बार तो परेशान करता है। हाँ, मैं पर्सनली बताऊँ, जब मैंने सीबीटी दिया था, छोटा सा स्टैट बता दूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि एग्ज़ाम कैसे हुआ करता था मेरा। जब मैंने सीबीटी दिया था तो पहले राउंड में 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में ही हो पाते थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे, 30-35 क्वेश्चन मेरे रह जाते थे। सेकंड राउंड में फिर से 20-25 क्वेश्चन होते थे, और थर्ड राउंड में फिर 2-4 क्वेश्चन और निपट जाते थे। तो इस तरह से मेरा चलता था, और हाँ, पहला राउंड मेरा हाफ टाइम में इजिली हो जाता था। थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी है टेस्ट सीरीज से, और भी अगर इन टॉपिक से अलावा कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट में डालेंगे, डेफिनेटली मैं पेपर से पहले उनको डिस्कस करूँगा। टेस्ट सीरीज के अलावा भी कोई क्वेरी है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। और क्विक रिवीजन के लिए जो एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पुराने हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम देखिए।